गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरा सभी प्यारा भाई बहनों से मेरा प्यार भरो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग में। बहुत दिनों बाद छत पे आ रहा हूँ। मेरा बड़ा मन था ऊपर जाके देखने का कि मौसम कैसा हो रहा है, लेकिन थोड़ा काम आ गया था नीचे, इसलिए मैं ऊपर छत पे टाइम से आ नहीं सका। और ये देखो कल से कपड़े अभी तक यहीं पड़े हैं। हम लोग कैफे चले गए थे, फिर उसके बाद मेरे को लगा था कि हम लोग आके निकाल देंगे, फिर हम बर्थडे पार्टी में चले गए तो भूल गया था मैं। पर कोई दिक्कत नहीं, आजकल बारिश वारिश है नहीं तो अभी सूख रहे हैं कपड़े बढ़िया से। और रही बात मौसम की, आप देख सकते हो कि धुंध धुंध सी हो रखी है। धुंध सा नहीं है ये, तो धुआं धुआं सा, पता नहीं क्या। अरे कहना क्या चाहते हो, क्या हो रखा है? मतलब पहाड़ दिख नहीं रहे हैं उस तरफ के लिए, हल्के हल्के दिख रहे हैं पास पास के। और अभी जो टेम्परेचर हो रहा है वो है 23 डिग्री। और आजकल क्या है, सुबह शाम की ठंड हो गई है, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ ऊपर से पहनना जरूर पड़ेगा क्योंकि हवा लगने लग गई है, अब ठंड महसूस होने लगी है, ठंडी वाली फीलिंग भी आने लगी। मुझे तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है क्योंकि मेरा फेवरेट सीज़न है विंटर सीज़न। क्योंकि ठंड से तो आप बच सकते हो, गर्मी से बचना मुश्किल होता है क्योंकि हमेशा आप अपने सिर के ऊपर एसी या पंखा लेके नहीं घूम सकते हो, लेकिन ठंडियों में तो ऊपर से कपड़े पहन सकते हो। और जो अभी धूप है ना, वो धूप चुभ नहीं रही है। जैसे आज से 2 हफ्ते पहले में जैसे मैं आपको बता रहा था कि धूप बहुत चुभ रही है, बहुत तगड़ी धूप हो रही है, लेकिन अभी जो धूप है अच्छा लग रहा है। इसमें आप लोग आराम से 1-2 घंटे बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, दोपहर में जाके थोड़ी धूप और बढ़ जाती है, तब वो थोड़ी अभी सहनीय नहीं है। लेकिन आने वाले समय में उस धूप के लिए भी लोग रोते हैं कि भैया वो धूप नहीं आ रही है, क्योंकि ठंडियों में तो फिर आपको पता है कोहरा वगैरह रह जाता है। तो चलिए मैं फटाफट से कपड़े वगैरह निकाल लेता हूँ और चलता हूँ नीचे। पर तो चलिए देख लेते हैं, अभी नाश्ता भी बन ही गया होगा। और नाश्ते में है आज पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी थी, लेकिन मैंने बोला कि मुझे रोटी नहीं, मुझे खाने हैं पराठे, तो खुशबू बना रही है पराठे। और दूध भी अभी थोड़ी देर पहले ही आया, क्योंकि हम आपको पता ही है हमारा दूध वाला कितना ऑन टाइम आता है, और रोज एक ना एक बहाना जरूर उनके पास होता है। आज वाला बहाना मैं सुन नहीं पाया, पर मुझे पता था कि कुछ तो बहाना बनाया ही होगा, क्योंकि वो आज भी ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे करीबन आए हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं तो जा रहा हूँ अभी नहाने के लिए, और फिर इसके बाद हमें जाना है पहले मार्केट, क्योंकि खुशबू को अपना सूट लेना है जो उसने फिटिंग के लिए दे रखा है, जो मम्मी ने उसको गिफ्ट किया था। तो मैं तो हो गया हूँ नहा धो के रेडी, और नाश्ता भी मेरा रेडी है। बड़ी मेहनत लगती है ऐसे पराठे बना के खाने में। बुआ जी 2 पैकेट आई थी पकौड़ी का, तो दूसरा पैकेट खोला है। तो चलिए फटाफट से कर लेता हूँ मैं अभी ब्रेकफास्ट, और फिर मैं जाके आऊँ अकेले या तुम भी चल रही हो? फिटिंग तो करी दोगे, मैं ले आता हूँ सीधा सीधा ना, ठीक है। हेलो नमस्ते पैलाग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोपहर के बज रहे 1 और अब मेरा प्लान हो चुका है चेंज। पहले मैं माइन के साथ नहीं जाने वाली थी, बट अब मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा सूट कहीं कुछ गलत ना ले आए, क्योंकि उसे कलर का इतना आइडेंटिफिकेशन है नहीं। मैंने उसको पूछा भी कि तुम ले आओगे, तो बोला ले तो आऊंगा बट श्योर नहीं है कि किसका लेके आऊंगा। तो मैंने कहा जब टाइम हो ही गया है और कैफे भी जाना है तो 2-2 चक्कर क्यों लगाने हैं। पहले वो एक बार मार्केट जाएगा, वापस आएगा, मुझे पिक करेगा, फिर लेके जाएगा, तो बेटर है कि मैं साथ ही चले जाती हूँ। उसको भी अपने फोन के लिए कवर वगैरह लेना है, तो चलो देखते हैं कि मिलता है कि नहीं, क्योंकि उसके फोन का कवर हमें ऑलरेडी हम 3-4 दिन से ढूंढ रहे बट मिल नहीं रहा है, तो देखते हैं क्या पता आज मिल जाए। तो बाकी हमारा काम वगैरह सब हो चुका है। थोड़ी बहुत दिवाली की सफाई करनी थी, वो कल कर ली थी मैंने, थोड़ी बहुत आज भी करनी थी, बट आज थोड़ा सर दर्द हो रहा था, बट मैं कल थोड़ा और करूँगी, थोड़ा कुछ बच गया है वो कल करना है किचन वगैरह का, फिर देखते हैं। और कुछ ही दिनों में मेरा देवर भी आने वाला है कमल, मैं उससे भी आप लोगों को सबसे मिलवाऊंगी। और चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं सीधे मार्केट में, देखते हैं कि मेरा सूट रेडी है कि नहीं। ये वही सूट है जो मम्मी लोगों ने भेजा था, मम्मी पापा ने भेजा था, बट मैं पहन नहीं पाई थी। और अभी भी ये मैंने आई थिंक 15 तारीख को दे दिया था, 15, 16, 17, 18, 19 तारीख, 20 तारीख हो गए, मतलब 4-5 दिन हो गए। कल मैं गई थी लेने के लिए बट हुआ नहीं था वो रेडी, फिर आज उन्होंने बोला था 1-2 दिन बाद लेके जाना, तो मैम आज जा रहे हैं। हाँ चार्जर रख लो। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं मैंक का फोन का कवर मिलता है कि नहीं, तब तक ले
टाटा। तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं माली मार्केट और रेडी है क्या? चलो थैंक यू। तो रेडी है खुशबू का सूट और अभी मैं जाऊंगा फिर पहले मोबाइल कवर देखने के लिए। तो मुझे तो मेरा कवर मिला नहीं और मे बी अब मेरे को ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑनलाइन कवर्स पर मुझे ट्रस्ट नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि एक बार हो चुका है मेरे साथ इंसिडेंट कि वो दूसरा कवर आ गया था, फिर रिटर्न करो सब बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो वैसे मैंने बोला है, वो बोल रहा है कि एक दिन के अंदर आ जाएगा, नहीं तो फिर दिवाली के बाद, बट फिर भी मैं ऑनलाइन ही मंगाऊंगा आपके पास। तो चलिए चलते हैं सीधा कैफे की तरफ। तो फाइनली अभी हम लोग कैफे पहुंच चुके हैं और करते हैं अब फटाफट से साफ सफाई। और खुशबू को देखो, अपना सूट लेके बैठ गई कि बस चेक करना है, और मेरे को इसमें अभी भी दिक्कत है, इसको फिर से कल वापस लेके जाना पड़ेगा। नहीं मुझे श्योर नहीं है कि दिक्कत है, मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। क्या हो, क्या दिक्कत लग रही है तुम्हें? ये थोड़ा ढीला है अभी भी। पहन के देखो पहले, फिर पता चलेगा। चलो फटाफट से लगाओ तुम झाड़ू, फिर मैं पोछा लगाता हूँ। 5 hours later। तो अभी टाइम हो गया है 10 और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। और आज का दिन बहुत बोरिंग था, कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं करने के लिए और ना ही इंटरेस्टिंग यहाँ कैफे में कुछ हुआ। बोले तो कि कस्टमर फ्लोर, जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि इस जगह की प्रॉब्लम यही है कि 2 दिन कस्टमर फ्लोर रहता है और 2 दिन नहीं रहता है। पर चलो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, लेकिन प्लान खुशबू का है कि वो मार्केट जाना चाहती है एक बार, एक चक्कर घूमने, क्योंकि उसको थोड़ा सा बोरिंग सा फील हो रहा है, पर अब वो बोले नहीं जाना है। तो चलिए डिपेंड करता है कि आगे क्या होता है, और फिर मिलते हैं आप सीधा आप घर पहुँच के कि हम लोग डिनर की तैयारी में क्या कर पाते हैं। तो फाइनली अभी हम लोग घर पहुँच गए हैं और मेरे को ना दुकान से ही फील हो रहा था कि मेरे को एसिडिटी होने वाली है, और बहुत तेज वाली एसिडिटी हो गई है मेरे को, यहाँ तक जलन हो रही है पूरी। तभी फटाफट से इनो पी लेता हूँ, पहले इनो ढूंढना पड़ेगा कि अलमारी में मैंने रखा था वो वहाँ पे है या नहीं है। और फिर खुशबू अपने लिए सेवियाँ बना रही है अभी और रोटी बनाएगी, क्योंकि मैं तो मैं कुछ खाने वाला नहीं हूँ एसिडिटी की वजह से, क्योंकि अभी मैं खाऊंगा तो मैं पूरी रात परेशान रहूँगा। तो फाइनली डिनर वगैरह हो गया है, मेरा तो मन भी नहीं था, बल्कि खुशबू ने ज़बरदस्ती बोला कि एक रोटी तो खानी पड़ेगी। तो और ये देखो, ये मैंने बताया था ना आपको, अपने सूट के पीछे पड़ी है। अरे ये कोई टाइम है खुशबू? क्या? मैंने कहा ये कोई टाइम है? बोला ही था कि जब तुमने अपने फिटिंग अपनी फिटिंग के हिसाब से दिया है तो कैसे ढीला सिल देंगे यार। चलो बढ़िया है, तेल बच गया मेरा। तुमने तो अपने लिए ले ही लिया है, अब मेरे लिए क्या सीन है फिर? थोड़ी लिया है यार ये। मम्मी ने भेजा है तो मेरे लिए? मैंने थोड़ी लिया है। मेरे लिए? ये तो गिफ्ट है ना, गिफ्ट तो तुम्हारे लिए भी आया है। तुम मैं तो ऑलरेडी पहन चुका हूँ। नहीं, अब तुम दोगे मुझे दिवाली पे एक सूट और। चलो बात हो गई मस्ती खुशबू, अब सोते हैं और चलो लो फटाफट से ब्लॉग का एंड कर लो। पकड़ो चक्कर आ रहा है मुझे, और घूम लो तुम। अरे मत घूमो, मतलब ये लो लो फटाफट ब्लॉग एंड करो यार। तो अभी खुशबू को तो चक्कर आ गए हैं। मजाक कर रहा हूँ, तो वो अभी चेंज करने गई है। और तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का एंड और मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं कल, गुड नाइट, शुभ रात्रि।